अभी दोनों के दोनों डाउन है। इसकी बैटरी भारती की है अभी 12%, काजल की 8-7-8 लग रही है। गुड मॉर्निंग, राम राम सीताराम, अर्ली गुड मॉर्निंग, क्योंकि 4 बजे है और कम उठते हैं, जा रहे हैं बहुत कम, नहीं उठते इन दिनों, नहीं उठते, पहले भी नहीं उठते, 4 बजे तो कभी नहीं, 5, 5:30, 6 बजे तो 3:30 बजे उठे वैसे। आज 3:30 बजे मैं पहले अलार्म में उठ गया था। मुझे उठाया कि उठो तो उठो। ओम अभी सो रहा है, ओम आने वाला नहीं है अभी। हमारा पूरा छोटा सा ग्रुप है, मैं हूं पूरा और छोटा सा, पहले तो बहुत बड़ा ग्रुप आने वाला था लेकिन अब छोटा सा ग्रुप आने वाला है। मैं, रामदेव, रामो, एक दूसरे हमारे फ्रेंड्स है, राम भाई एंड काजल, हाँ। तो हम पांच लोग हुए, पांच लोग जा रहे, ओम नहीं आ रहा। पहले गांव के जो लड़के हमारे जूनागढ़ जाने वाला ग्रुप है वो सारे ही प्लान था जाने का सबका, लेकिन इस बार नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम जाएंगे जरूर सब, लेकिन हमारा तो फिक्स था। और रामदेव बहुत बार जा चुका है लेकिन मैं पहली बार जा रही हूँ। इस बार हम हाफ वे, पहले बता दे कहाँ पे जा रहे। जूनागढ़, गिरनार, जिसको हिमालय का भी दादा बोला जाता है और बहुत सारी इम्पोर्टेंस है गिरनार का, क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं कि 33 कोटि देवताओं का वास है वहाँ पे। तो सही बात, और वहाँ पे जो परिक्रमा होती है वो भी वहाँ पे ही होती है। लेकिन हम जा रहे हैं जो दत्तात्रेय का मंदिर है ऊपर तक, वहाँ पे 9999। सही बात है, इस बार भी तो वहाँ पे 10,000 स्टेप्स है, जिसमें से आधे तो हम रोपवे में जा रहे हैं, तो अंबाजी तक रोपवे में जाएंगे, फिर वहाँ से चल के जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम मेरा ऐसा प्लान है कि एक बार गिरना नीचे से ऊपर तक चल के जाना, तो वो नेक्स्ट टाइम पे रखेंगे। और ओम आज नहीं आ रहा है, मम्मी पापा को भी लेके जाने का हमारा प्लान है, लेकिन वो विंटर में, अभी बहुत गर्मियाँ होगी तो इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं ताकि सनराइज हो तब तक हम हाफ पे पहुँच चुके हैं। और रामो आ रहा है इसलिए मैं उसको फोन, मैं बता रही हूँ रामो आज जल्दी बोल रहे, मैं पहुँच गए। ध्यान से देखो इस लड़के को, ये 11 बजे उठता है, 11 बजे भी नहीं, अगर 12 बजे पॉसिबल है तो वो 11 बजे का सोचता भी नहीं है। और इन दोनों का ही कल मैंने प्लान कैंसिल किया था और इन दोनों ने वापस प्लान बनाया, भारती और रामो ने। रामो बोलते हैं अरे प्लान किया है तो अब कैंसिल क्यों करना, हम इतने लोग तो इतने लोग जाके आते, तो ऐसे करके इनकरेज किया हमें। चलो निकलो, 3:30 बजे मैसेज आया आज अर्ली मॉर्निंग को कि कब निकलना है, क्या बात है। अभी हम गिरनार भवनाथ में आ गए हैं, बस 10 मिनट और पहुंच जाएंगे रोपवे के स्टेशन पे। 7 बजे का प्लान था लेकिन 6:30 बजे आ गए हैं, क्योंकि हमारे जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छे ड्राइवर है, ऐसे ही बोलना, क्योंकि अभी जाना भी मेरे ही साथ। और जो दातार का पहाड़ है वो दूसरी साइड ऑपोजिट साइड में रहता है, और इस साइड में गिरनार, और अभी जो मेन जगह पे हमें जाना है वो तो यहाँ से दिखता नहीं है ना, नीचे दत्तात्रेय का डूंगर नहीं दिखता नीचे से, और ये है दामोकुंड जहाँ पे गए थे लास्ट टाइम। सो अभी परफेक्ट टाइम है, हमारी परफेक्ट टीम है, तो क्लाइंबिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। फाइनली अभी हम आ गए उडन खटोला में, रोपवे में यहाँ से जाएंगे हाफ वे तक। यहाँ पे है राम भाई, यहाँ पे है राम भाई, काजल, मैं। अभी के लिए एक बेड न्यूज है, अभी के लिए 1 घंटे के लिए शायद बंद है रोपवे, ऊपर ज्यादा हवा चल रही है, वरना वहाँ पे है रोपवे। अभी यहाँ पे रोप वे बंद है, उसकी खुशी में हम लोग
वनेला और जलेबी खा रहे हैं क्योंकि रोप वे बंद है उसकी खुशी में। और यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के मतलब 95% लोगों के मुंह उतरे हुए, उसका कारण भी रोप वे बंद है वही है। और यहाँ से बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, वही बेस्ट है, यहाँ से कर ले। यहाँ पे हमारे गठी आ गए, गठी भी आ गई है। सबसे ज्यादा दुखी मेन काजल है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी जाना था, टाइम से थोड़ा सा ये गलती हो रहा है। और इन तीनों लोगों को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, खाने पे कॉन्सेंट्रेट कर। अभी यहाँ पे कुछ रिव्यू ऐसे आ रहे है, मैं एक ही जाने के लिए तैयार हूँ यहाँ से चल के गिरना है क्योंकि मैं कभी गई नहीं। आपका क्या रिव्यू है? मैं बिल्कुल इसमें सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं 4-5 बार गया हूँ और अभी बहुत थक हो गया, अभी और नीचे वाले जो स्टेप्स है खास करके 4000 वो बहुत ही बोरिंग है, उसमें नहीं मज़ा आता और थक भी जाते हैं बहुत। पहले जाते थे वो बात और थी, अभी क्या होता है कि अपने अपने ये सारे अगर थक जाए तो किसी को छोड़ नहीं सकते। पहले क्या था, दोस्त लोग जाते थे, जब थक गया वो छूट गया, जो नहीं थका वो ऊपर गया। तुम रेडी हो? हेलो, नहीं चले जाओ जाओ, अभी पहले ना पढ़ता था, पहले मना कर रहा था। राम भाई रेडी? बना है काजल, काजल मुझे वो मन एम्पावरमेंट तुम्हारा साथ चाहिए। ओके, तो अभी नहीं दे सकते। एक पॉइंट मिला है मुझे जो चल के जा रही हूँ, और 4 लोगों का पॉइंट रोप वे में ही जाना है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि कितना हार्ड है। ये तो मैं सिर्फ अपने मेंटली स्ट्रोंगनेस दिखा रही हूँ, लेकिन मैं गई नहीं हूँ कभी। तो जो लोग गए इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इन लोगों की एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करके हम रोप वे का ही फाइनल रखते हैं। और वैसे भी हमने टिकट भी बुक कर दिया। हम लोग 1 घंटे से यहाँ घूम रहे हैं, यहीं 2.5 घंटे हो गए, 6:30 बजे हम यहाँ पहुँचे, तब से हम घूम ही रहे। लेकिन इसमें टेक्निकल टीम का प्रॉब्लम है नहीं, और रोज़ ये होता भी नहीं है क्योंकि हम एक इन्फ्लुएंसर है, तो हमारे जो भी टूरिस्ट है। लेकिन कभी कभी एटमॉस्फेयर में ऐसा होता है, बहुत ज्यादा हवा होती है, तो वो भी रिस्क नहीं ले सकते। खास ऊपर जाके बहुत तेज हवा चलती है, उसकी वजह से कभी-कभी बंद करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमारा कुछ किसी की भी कुछ गलती नहीं है। हाँ, वो नेचर है, उसमें तो होता ही है। लेकिन आज जाके रहेंगे, कुछ भी हो जाए जाने, चल के ये तो चलो। तो अभी के लिए ये सिर्फ इन लोगों ने खिलाया है, लग रहा है कि 1 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा, सो होपफुली सब कुछ ठीक हो। आ चुके हैं ऑलरेडी जो वेटिंग एरिया है, उड़न खटोला जो गिरनार का रोप वे है। और जब से रोप वे आया है तो बहुत ज़्यादा बाहर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है हमारा गुजरात टूरिज्म में। अब सबसे आप देख सकते हो, इन आई थिंक एशिया का लॉन्गेस्ट रोप वे है, गुजरात का लॉन्गेस्ट रोप वे कनेक्टिंग जो अंबाजी के मंदिर तक जाता है, वरना 4-5 घंटे लगते हैं मेरे जैसे और काजल, हम दोनों तो 5-6 घंटे में पहुँचेंगे, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। और हम भी आज वैसे ही करने वाले, यहाँ से फिर चल के जाने वाले हैं।
एंड दूसरा ये है कि अभी 24th कमिंग संडे 24th अक्टूबर को एक साल पूरा होने वाला है जब से रोपवे स्टार्ट हुआ है. तो एनिवर्सरी स्पेशल ऐसा सुना है कि कुछ सेलिब्रेशन होगा, कुछ स्पेशल होगा और संडे भी है, तो आप भी आसपास हैं तो ज़रूर आना 24th अक्टूबर को. और हम भी ट्राई करेंगे अगर पॉसिबल होगा तो हम भी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन होगा तो हम भी उसमें इंजॉय कर सकते हैं साथ में. तो अभी भी हम वेट कर रहे हैं. ये वेदर का तो ऐसा है कि इसमें उन लोगों का भी कुछ वो नहीं है, वेट करना पड़ता है सबको थोड़ा सा. कभी कभी ऐसा वेदर में चेंजेस आता है, क्योंकि अभी बोले थे कि ऊपर 80 की स्पीड से हवा चल रही है, तो वो किसी की लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकते और ध्यान रखना पड़ता है. तो होपफुली अभी स्टार्ट हो जाएगा तो आप भी इंजॉय करेंगे हमारे साथ रोप वे का एक्सपीरियंस. सिर्फ यहाँ पे मैप दिया गया, यहाँ से स्टार्ट होता है रोपवे, फिर यहाँ से पूरा ऐसे ऊपर जाता है यहाँ तक. और ये हाइट है वो बहुत ही, जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ा सा स्केरी भी लग सकता है. फिर वहाँ पे निकल जाता है तो वहाँ पे अम्बाजी का टेम्पल आ जाता है, यहाँ नीचे जो दूसरे टेम्पल है वो, और पीछे वहाँ जाके वहाँ से फिर हमें चल के जाना पड़ेगा और वहाँ पे लास्ट में हमें जाना है, अभी तक जाना है. यहाँ पे कैफेटेरिया है तो कुछ नाश्ता कर रहे हैं ये लोग. हम यहाँ पे बैठ के कुछ नाश्ते की वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा नाश्ता कर रहे हैं, फिर हमें एनर्जी आ जाएगी ऊपर जाने में. इन लोगों को तो कुछ नाश्ता करना है नहीं, मैं चाय बस सिर्फ चाय पीऊंगा. आइसक्रीम कौन खाया इन लोगों ने? अभी भी फिंगर क्रॉस है कि वातावरण जल्दी से ठीक हो और जल्दी से ये लोग ऊपर चढ़ने की जो इनकी तमन्ना है वो पूरी हो. मुझे इतना खास कुछ है नहीं, चला तो ठीक है, नहीं चला तो घर जाएंगे. नहीं, भगवान पे भरोसा है, हमें जाएंगे तो आज ही जाएंगे वरना जाके तो रहेंगे. यस, तो यहाँ पे अभी बोतल चैलेंज चल रहा है. हाँ, वो नहीं, ये बोतल है इसके ऊपर ऐसे रखना है, इसको ऐसे चैलेंज करना है. चलो रमो ट्राई करो एक बार, कोई भी बोतल ऊपर नीचे रखो लेकिन इसको रखो. ये रहेगा ही नहीं, मैंने ट्राई कर लिया बहुत. एक गोबो नहीं थी, डिजाइन ऐसे, इसकी डिजाइन ही ऐसे. नहीं, ये चीटिंग है, ये ढक्कन निकाल के नहीं, फिर तो ये इसमें जा चला गया. रवो तुम ट्राई करो. अभी हम टाइम पास कर रहे हैं ऐसे करके, अभी जल्दी स्टार्ट होने वाला है रोप में तो हम जा सकते हैं. बी पॉजिटिव, काजल को आ रही है नींद लेकिन सोना नहीं, ठीक है? रोप पे स्टार्ट हो. यहाँ पे काजल और भारती और रामो, ये तीनों का जो एक्साइटमेंट था कल से, और कल से हमारा प्लान कैंसिल था. मतलब मैं और राम नेचुरल थे, मतलब न्यूट्रल थे कि जाए ना जाए, जो भी आप लोगों को डिसाइड करना है. मेरा 70% ना था कि ना जाए, ये मुझे भी नहीं पता था कि रोपवे बंद होगा, लेकिन मुझे पता नहीं अंदर से लग रहा था कि ना जाए. और भाटी का तो हमेशा होता है, बाहर जाना होता है तो फिर वो बोलती है जाना है जाना है जाना है. और अभी दोनों के दोनों डाउन है. इसकी बैटरी भाटी की है अभी 12%, काजल की 8-7-8 लग रही है, फाटी की 15 है, देखो उठ गई है, नहीं 12-15 के आसपास है. ब्राइटनेस कम की हुई है बिल्कुल दोनों की, डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिख रहा, लोकेशन भी ऑफ है अभी शायद, फिर भी इतनी बैटरी बची है. और खुद के सिर के ऊपर मक्खी बैठी है, वो भी अभी उड़ाने की ताकत नहीं है शायद. ऐसे देखो ये बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डाउन है. रात को 3-3:30 बजे उठे और काजल सोई ही नहीं है एक्साइटमेंट में, और भारती थोड़ी सोई थी, काजल सोई भी नहीं और इसको सोने भी नहीं दिया, तो ये भी खुद डाउन है अभी. फिर भी मर्द आदमी है तो थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस, मतलब ऐसे दिखा रहा है कि मैं नहीं थका, वो भी थक गया है. रामो कंटिन्यूसली 1 महीने से नहा रहा है, नवरात्रि खेल रहा है,
और ये कर रहा है जो इसने कल प्लान किया। और कल प्लान करने में सबसे बड़ा हाथ ये बंदे का, ध्यान से देखो इसको। अनफॉर्चुनेटली हमें वापस जाना पड़ेगा घर, क्योंकि अभी तो ऊपर हवा चल रही है जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। और वैसे ये जो रोप वे बना है वो एशिया का लॉन्गेस्ट रोप वे है, और एशिया का लॉन्गेस्ट रोप वे जो टेम्पल से जुड़ता है ऊपर जाके। तो बहुत एडवेंचर है, मज़ा आता है यहाँ पे। लेकिन आज के दिन तो अभी नहीं हो पाएगा, हमारा जो प्लान था वो फेल होने वाला है। एंड वैसे बहुत ही हैवी रेन होती है या फिर कुछ भी हो, ये बंद नहीं होता रोप वे, ऑलवेज ओपन होता है। लेकिन कभी कभी जब लाइटनिंग होती है बहुत ज़्यादा, या फिर आज जैसे विंडी है, वो भी भाई साहब बोल रहे थे कि साइड में से जो विंडी आती है तो वो ट्रॉली को ऐसे ऐसे करती है, तो वो थोड़ा सा वो है तो वो नहीं ट्राई कर सकते। अभी इन लोगों का फिर भी मन नहीं बन रहा है कि अभी हम ऐसे आए इतना प्लान करके और घर कैसे जा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताना कि ये सब होता है कई बार। तो क्या करना है कि अभी हम नेक्स्ट कुछ दिनों बाद शायद आ जाएंगे, अगर नहीं आए तो कभी लाइफ में आएंगे। लेकिन तो बेस्ट है अभी के लिए कि ये बंद ही आज का दिन समझ लो। अब होगा जैसे होगा, क्योंकि अभी क्या होता है, एक्चुअल में मैं किसानी करता हूं तो मुझे पता है इस टाइम पे मानसून जाने वाला होता है और क्या बोलते हैं स्प्रिंग स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरह से हवा चलती है और ये वाली जो दरिया के साइड से जो हवा आती है वो दोनों हवाएँ मिलती है, उसमें से जो भी हवा मतलब ये वाली स्ट्रॉन्ग होती है इसलिए इसको दबाती है। उसकी वजह से हवा के कारण रोप वे इस तरह से चल रहा है पूर्व पश्चिम, और हवा चलती है उत्तर की ओर से, इसलिए प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। ये टेक्निकल और ये कभी कभी जानकारी मिली है बातचीत करके, बहुत ज्यादा हवा आती है ना। हे मंकी बाय। ये छोटा सा मंकी डर रहा है बेचारा, लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं करने वाले, हम तुम्हारे दोस्त। सब लोग बैठे हुए हैं, वो गिरनार चढ़ के आ रहे हैं इसलिए बहुत थके हुए हैं। और मैं ड्राइविंग किया, सुबह जल्दी उठा हूँ, गिरनार भी चढ़ा इन लोगों के साथ, लेकिन थका नहीं हूँ। और ये सब लोग बहुत थक चुके हैं क्योंकि बहुत लंबी यात्रा हो गई इनकी। तो अभी सबके चेहरे देखने वाले हैं। क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ नहीं, कल जाके सो जाना। अभी कोई बोलने के लिए भी रेडी नहीं है। दीद खड़ा भी क्यों है? बहुत बुरा हो रहा है अभी यहाँ पे, सबको बहुत अफसोस हो रहा है। जितना घटाई है रोपवे के लिए। और सबसे ज्यादा प्लानर जो पहले कैंसिल हुआ था, तो इसका पूरा प्लान राम भाई ने किया था। ये रहा राम भाई ने काले ले हुआ था।